नमस्ते बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का ग्रामर का नया पाठ सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पदबंध। बच्चों, इस पदबंध को सीखने से पहले हमने 9वीं कक्षा में देखा है कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, और उन दोनों का अंतर भी देखा है। उसी तरह पद किसे कहते हैं इससे तो आपका परिचय हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले पद और पदबंध में अंतर क्या है। तो देखो बच्चों, जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण का काम कोई शब्द अकेला करता है तो उसे पद कहते हैं। तो इस तरह से जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे कि लड़का रो रहा है, इस वाक्य में ये जो लड़का है यह संज्ञा पद है। कौन सा पद है? संज्ञा का पद है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने देखा है कि जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण का काम कोई शब्द अकेला कर रहा है तो यहाँ पर लड़का जो है यह अकेला संज्ञा का काम कर रहा है और इसीलिए यह संज्ञा पद है। उसी तरह से अब हम पदबंध को देखेंगे। हमारे पड़ोस में रहने वाला छोटा लड़का, यहाँ पर लड़का यह संज्ञा का काम कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ अनेक पद उसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाला छोटा लड़का। यहाँ तक जो शब्दों का समूह मिलकर इस व्याकरणिक इकाई को दर्शा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से ये पूरा जो समूह है शब्दों का, पदों का, वो क्या है तो पदबंध कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों पद और पदबंध यहाँ पर होता है कि एक ही व्याकरणिक इकाई का काम पूरा शब्द समूह मिलकर दर्शाता है। तो हम इसी पर आधारित हमारी दूसरी परिभाषा तैयार हो जाती है, अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। तो ऐसे ही पदबंध के 5 भेद हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इनका हम एक एक उदाहरण देकर हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो बच्चों, पदबंध के जो 5 भेद हैं उन 5 भेदों के उदाहरण सहित हम उसे देखते हैं कि किस तरह से उसकी पहचान करवानी है। बच्चों, पदबंध के जो 5 भेद हैं उसमें से हम पहला एक उदाहरण देखते हैं कि देखो, हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का चला गया। यहाँ पर जो रेखांकित किया गया हुआ वाक्यांश है, यहाँ पर जो कर्ता कौन है, पहले हमें शेष पद का परिचय होना बहुत जरूरी है। बच्चों, पदबंध में शेष पद और आश्रित पद, इन दो पदों को बहुत महत्व है। आपने अगर शेष पद को पहचान लिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस तरह से हमें पहचानना आना चाहिए। तो विशेषण, यहाँ पर देखो शेष पद कौन चला गया, तो लड़का। यहाँ पर कर्ता कौन है, तो लड़का है। तो ये लड़का जो है इस लड़के के ऊपर आश्रित बाकी के पद हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाला ये जो पद हैं, ये पद मिलकर इस कर्ता आश्रित है, इसीलिए ये लड़का जो है यह है शीर्ष पद और यहां से उसके जो है वो है आश्रित पद। तो इस तरह से बच्चों कर्ता का काम ये सब पद मिलकर कर रहे हैं। तो इस तरह से शेष पद अगर आपने पहचान लिया तो आप बाकी के सभी आश्रित पदों को पहचान कर संज्ञा के पदबंध के भेद को आप पहचान सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का, लड़का कर्ता है यानी वो संज्ञा है। क्या है? ये
संज्ञा है और इसीलिए ये संज्ञा को दर्शाने के लिए ये सभी पदों ने मिलकर इसका काम किया है, विशेषता बढ़ाई है, इसीलिए ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, शोर मचाने वाले तुम बाहर जाओ। तो यहाँ तक देखो, तुम ये क्या है, तो सर्वनाम है, और इस तुम को बाहर जाओ, इसे बाहर जाने के लिए कहा है, तो तुम इस सर्वनाम को, लेकिन इस सर्वनाम को दर्शाने के लिए ये बाकी के पद भी उसे संबंधित है, शोर मचाने वाले तुम। ये जो रेखांकित किया गया है ये सब क्या है, ये पूरा सर्वनाम है, इसीलिए यहाँ पर ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। आखिर में क्या है वो देखना है, संज्ञा आ गया तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम है सर्वनाम पदबंध। अब यहाँ पर रेखांकित किया है, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही थी। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ये विशेषण है, स्त्रियों के बारे में विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर जो विशेषण है तो स्त्रियों के बारे में बता रहा है, तो गीत गाती हुई यह विशेषण है, इसीलिए ये सब बंधा हुआ है, इसीलिए ये विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखना है, कभी सर्वनाम भी आ सकता है या तो संज्ञा, क्योंकि विशेषण हमने देखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं विशेषण, और यही विशेषण यहाँ पर तीन पद मिलकर कर रहे हैं, इसीलिए वो विशेषण पदबंध है। अब यहाँ पर रमा ने खाना खा लिया। अब यहाँ पर खा लिया ये कैसा है कि क्रिया का पद है, इसीलिए ये क्रिया पदबंध है, क्या है, क्रिया पदबंध। तो जिस तरह से हमने देखा कि क्रिया पद, अब हम देखते हैं कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया। यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है वो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, यानी वो क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। इस तरह से पदबंध के पांच भेद यहाँ पर होते हैं। ध्यान में रखना है कि हमें शीर्ष पद और आश्रित पद को पहचानना आना चाहिए। तो बच्चों एग्जाम में आपको इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेखांकित किया जाता है वाक्यांश और आपको कहा जाता है कि पदबंध का किसका उदाहरण है, तो आपको इस तरह से उसकी पहचान करवानी आनी चाहिए, या तो पदबंध की व्याख्या देकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से पद और पदबंध में अंतर है, और पदबंध किसे कहते हैं कि किस तरह से वो व्याकरणिक नियमों से बंधा जाता है, कैसे एक ही व्याकरणिक इकाई का काम अनेक पद का समूह मिलकर करते हैं, तो ये सारी जानकारी हमने इस पाठ में ली है। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा पदबंध यह जो अध्ययन है, पाठ है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।